नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। अब तक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों एवं उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे। इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान पाएंगे। आप पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर पाएंगे। आइए अब हम लेक्चर की शुरुआत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की पड़ताल से करते हैं। मैकिंटोश या मैक और आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम करते हैं। इसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म कंप्यूटर द्वारा अपेक्षित वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं जो इसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण मैक प्लेटफॉर्म पर आधारित था, जो कि मोटोरोला की चिप्स और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस पर आधारित था। इसी प्रकार आईबीएम द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर इंटेल द्वारा निर्मित चिप्स और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित था। आज के पीसी विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो डॉस की कई मूल अवधारणाओं को शामिल करता है। आज उपयोग में कई अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। उन्हें पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए अब हम कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिक्स। यूनिक्स एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के पीसी, मेनफ्रेम और वर्कस्टेशन पर चलता है। इंटरनेट सर्वर्स पर यही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। यह भी एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करता है तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। मैकिंटोश ओएस। यह एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल कंप्यूटर पर चलता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, 98 और एक्सपी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर्सनल एवं नेटवर्क दोनों जगह इस्तेमाल किए जाते थे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट ब्राउजिंग में सक्षम थे। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित विंडोज के पुराने संस्करण हैं तथा इनमें से कोई भी अब प्रचलन में नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एवं माइक्रोसॉफ्ट 2000। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिन्हें विशेष तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों की ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाया गया था, इन्हें क्लाइंट सर्वर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिक्योरिटी फीचर्स को पिछले संस्करणों की तुलना में बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रिमोट एक्सेस फैसिलिटी भी दी गई थी, जिसके माध्यम से दूसरी जगह पर स्थापित कंप्यूटरों तक आसानी से पहुँचा जा सकता था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मोबाइल 7। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सेलफोन और हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए विकसित किया गया है तथा यह अन्य माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से संगठित हो सकता है। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। पहला महत्वपूर्ण कार्य जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किया जाता है वो है कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डेटाबेस पैकेज के बीच संवाद सेतु का कार्य करता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक्सेल में एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप केवल टूल बार पर प्रिंट बटन दबाना है। एक्सेल
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर का चयन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देशित करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तब कंप्यूटर को सूचित करता है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए रिलेवेंट प्रोग्राम में डेटा और इंस्ट्रक्शन भेजना शुरू करे। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किया जाने वाला दूसरा प्रमुख कार्य है फाइल्स और मेमोरी का प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सभी फाइलों को मैनेज करता है तथा यह उन मेमोरी लोकेशन को चिन्हित रखता है जहां पर प्रोग्राम्स और डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक फाइल को खोलते हैं जिसे हार्ड ड्राइव पर स्टोर किया गया है, तो आप पहले कंप्यूटर को फाइल खोजने के लिए निर्देश दे रहे हैं और फिर इस फाइल को खोलने का। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर्ड फाइलों को आसानी से ढूंढने में मदद करता है। कुछ अन्य फाइल मैनेजमेंट कार्यों में कॉपी करना, मिटाना, रीनेमिंग और फाइल का बैकअप करना शामिल है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किया जाने वाला तीसरा प्रमुख कार्य है कंप्यूटर में सिक्योरिटी का प्रबंधन। कंप्यूटर नेटवर्क और बड़े कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्येक यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी यूज़र के नामों का एक रजिस्टर रखता है ताकि वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड वाले लोग ही सिस्टम को एक्सेस कर सकें। यह हैकर और अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर तक पहुँच को रोकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी यूज़र का लॉग भी मेंटेन करता है, जिसमें वह यूज़र का लॉगिन का समय, यूज़र द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करने की टाइम तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखता है। सुरक्षा उल्लंघनों और संसाधनों के दुरुपयोग को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर लॉग को देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किया जाने वाला चौथा प्रमुख कार्य है कंप्यूटर पर एक समय पर एग्जीक्यूट होने वाले सारे प्रोग्राम्स का कार्य प्रबंधन। एक कंप्यूटर कई कार्य को एक साथ संपादित कर सकता है, जिसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक यूज़र अपने कंप्यूटर पर ईमेल टाइप करना और संगीत सुनना एक साथ संपादित कर सकता है। नेटवर्क के मामले में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक यूज़र को एक ही समय में एक ही डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह सभी एक ही समय पर चलने वाले विभिन्न एप्लीकेशन का प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किया जाने वाला पांचवा प्रमुख कार्य है यूज़र इंटरफेस उपलब्ध कराना। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को इंटरफेस उपलब्ध कराता है जो कि यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में मदद करता है। अब तक की चर्चा में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों एवं उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम यूज़र इंटरफेस के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।